न्यूज नेशन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। करनी सेना के जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग, चौहान समाज ने किया प्रदर्शन। मऊ, करनी सेना के जिलाध्यक्ष व समर्थकों द्वारा पिछले दिनों सपा पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार को चौहान स्वाभिमान संघर्ष समिति के बैनर तले करनी सेना के जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के लिए सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी कलेक्टरेट पहुंचे। यहां चारों तरफ पुलिस की पहरेदारी देख बुनकर कॉलोनी लौटे। यहां प्रदर्शन कर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इससे राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों के पहिए थम गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। लगभग 2 घंटे बाद किसी तरह पुलिस धरना प्रदर्शन समाप्त करा पाने में कामयाब हुई। इसके पूर्व जिला मुख्यालय के पहले ही कई जगह प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे चौहान समाज के लोगों को पुलिस ने रोक दिया। चौहान समाज द्वारा आयोजित धरने में शामिल होने के पूर्व ही सुबह जनवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं जिले के कार्यकर्ताओं को उनके आवास पर ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया। इसके साथ टीबीटी ओवरब्रिज के पास ही कई लोगों को पुलिस ने रोक दिया। यहां आक्रोशितों ने क्षेत्राधिकारी को पत्रक सौंपा। कलेक्टरेट में सैकड़ों की संख्या में चौहान समाज के लोग पहुंचे। यहां पहले से ही पुलिस की तैनाती थी। पुलिस ने परमिशन न होने का हवाला देकर लौटा दिया। इसके बाद आक्रोशित बुनकर कॉलोनी पहुंचे और धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उनके नेताओं ने संबोधित भी किया। बार बार अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी परमिशन न होने का हवाला देते हुए धरना समाप्त करने की अपील करते रहे, परंतु उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसी दौरान गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए हटाया। जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल सिंह चौहान जी उपस्थित रहे। साथ में सुभाषपा के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर, अर्जुन चौहान, दिनेश राजभर, पंकज राजभर, कमलेश राजभर, बबलू राजभर, मनिंद चौहान, राहुल राजभर, अरविंद राजभर, पिंकू कुमार बागी, रामहर्ष चौहान सहित हम सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं ने जमकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आरोपी पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और उचित कार्यवाही की मांग किए। मऊ कलेक्टरेट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। ज्ञापन दे के आगे आएंगे, जहाँ हमारा बॉर्डर है, जहाँ रुका क्या बैरिकेडिंग चलेंगे वहाँ तक तो आ गए हैं। हम तो यही आए हैं जो ना आपके यहाँ देंगे ज्ञापन, तो हम लोग देंगे ही देंगे। वो माहौल नहीं बनाने दिया जाएगा ना कि वो अल्लाह करते वहाँ तक जाकर के मैं आपके पास आ गया और बुला लीजिए अपने भाई बहन आ रहे हैं। आपके सम्मान के साथ हमारा भी सम्मान जुड़ा हुआ है, आपके सम्मान के साथ मैं भी खड़ा हुआ हूँ। एक कोई आदमी कुछ सही कर दे, एक आदमी कोई नंगा ही कर दे, कुछ सही कर दे, उसे किसी का सम्मान नहीं चला जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो कि वैधानिक तरीके से एक अच्छे सक्षम भाई सक्षम तो स्वयं गुंडा है और शासन प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई किया है, हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया है। सर अभी तो घूम रहा है, अरे घूम रहा है तो भाई सीजीएम हमारे हाथ में तो नहीं ना है, हमारा जो काम है पूरा किया है, आपने लिखा गया जो आपने कर दिया उसको लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अबे ये मत छोड़िए, मैं बता दे रहा हूं, गुफा मत छोड़िए, हल्के में मत लीजिए, यहां से लेके हर कदम पे आप मिलेंगे हमसे। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, मुझके ऊपर मुकदमा हुआ। अरे भाई तो हमने कहा ये बताइए कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट देगा उसी के आधार पर तो लिखा जाएगा, दूसरी बात जो आप तहरीर दोगे उसी के हिसाब से लिखा जाएगा, तीसरी बात है कि हम लोगों ने जो कार्रवाई करनी थी उसको उठा करके भेज दिया, अब वो छोड़ दिए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और
हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि 7 साल से जिसमें कम की सजा है उसको जमानत दे देगा, वो दिए अपने हिसाब से। और इसके बाद इसीलिए पुलिस ने उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर रहा है, अगर आप चलोगे आपके खिलाफ लिखा जाएगा, उसका पलड़ा भारी होगा और गुंडा एक्ट की कार्रवाई वहीं पर रोक दी जाएगी। सहानुभूति आप लोगों के साथ, सारे लोगों को हम लोग ये आवाज दबाने की बात नहीं, मांग कर रहे हैं, कोई हल्ला दंगा थोड़े करने नहीं, नहीं हल्ला दंगा। आप ये बताइए कि आप जाकर झगड़ा किए थे, झगड़ा तो बात कर लिए थे, ये कोई बात हो गई? अगर अभी आप जाओ हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हीं के आकर के बीच में आपसे दंगा कर देंगे, आप चार मोटरसाइकिल छोड़ देंगे, आप चार देने का मार करके चले जाएं, इसके बाद तो मुकदमा तो आपके खिलाफ लिखा जाएगा। मैसेज आ गया होगा, जिम्मेदार अगर आप होंगे आप अपना मैसेज खोल लीजिए, जो ग्रुप में जुड़ा है। मेरा निवेदन है कि हम आपके पूरी सहानुभूति के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, शासन प्रशासन आप ही के साथ है, पुलिस अधीक्षक महोदय से लेकर पुलिस महोदय तक।